नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट नंबर 5 के बारे में। इससे पहले मैं 1 से लेकर 4 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ, और जो पिछला 4th नंबर का मॉक टेस्ट अपलोड किया था मैंने पिछले संडे को अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने वो पहले 4 मॉक टेस्ट नहीं देखे वो जाकर वो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है या हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन पर जाकर वो अपने 4 मॉक टेस्ट देख सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट जो 5वां है, ये सिर्फ मैंने पार्ट ए इंक्लूड किया इस मॉक टेस्ट में, मतलब मैं इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा इसी 5 नंबर मॉक टेस्ट का पार्ट बी, ठीक है। तो चलिए पहले ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल डैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की रहता है? तो वो है आपका ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। इनमें से कौन सा पेंसिल की तरह यूज होता है? ग्रेफाइट, सिलिकन, चारकोल या फास्फोरस। तो पेंसिल में हमारा क्या यूज होता है? पेंसिल में हमारा ग्रेफाइट यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज होता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या ऑर्डिनरी वाटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोरियम जो है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ICAO स्टैंड फॉर। ICAO की फुल फॉर्म क्या है? तो ICAO की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ द ICAO। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स बिलोंग टू राजस्थान। इलेक्शन चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट है। और ऐसे ही आप हरियाणा की लोकसभा और पंजाब की लोकसभा सीट याद कर लेना, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर। जो इंडिया का पहला सैटेलाइट था उसका नाम किस पर रखा गया? तो उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था, इंडिया के पहले सैटेलाइट का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वाज। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है, कौन सा था? तो इसका आंसर आपको देना है, तो इसका राइट आंसर है अस्पारा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अस्पारा इज द इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में द टोटल नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन जो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट। वो कौन सा स्टेशन है जहाँ से सारे के सारे सैटेलाइट लॉन्च होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से वो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से सारे सैटेलाइट इंडिया के लॉन्च होते हैं श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट हमारे पास है, द ब्लैक फ्लैग सिग्निफाइज। ब्लैक फ्लैग किसको सिग्निफाई करता है? जो ब्लैक फ्लैग है, जो काला झंडा होता है, वो आपका प्रोटेस्ट को सिग्निफाई करता है, वो आपका विरोध को सिग्निफाई करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी विरोध करते हैं तो वो हमेशा ब्लैक कलर का झंडा लेकर घूमते हैं किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए, उसके लिए ब्लैक फ्लैग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दोस्तों 11 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपका टोटल कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। पिछली बार भी लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए थे, बहुत अच्छे स्कोर थे। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको वो स्कोर दिखाऊंगा लोगों के कितने स्कोर थे, तो आप उस हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हो कि लोगों के कितने स्कोर है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रिसिपिएंट कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन। नोबेल प्राइज सबसे पहले कब दिया गया? तो ये 1901। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। इंडिया में इरीगेटेड लैंड का परसेंटेज कितना है? तो इंडिया में इरीगेटेड लैंड का परसेंटेज 35% है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडक्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है वो किसके बीच में बाउंड्री लाइन है? तो सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको हम रेडक्लिफ
लाइन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम वोन द आईपीएल 2019। आईपीएल 2019 कौन सी टीम जीती थी? सबको पता है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, मुंबई इंडियंस आईपीएल 2019 जीती थी। विच टीम वॉज रीनेम इन आईपीएल 2019। आईपीएल 2019 में कौन सी टीम का नाम बदला था, रीनेम किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा डेल डेविल्स का नाम था उसका डीसी कर दिया गया था, दिल्ली कैपिटल कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, हु इज द स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन। सीजन के स्टाइलिश प्लेयर कौन थे? तो वो थे आपके केएल राहुल। इसमें स्टाइलिश प्लेयर के नाम पे विराट कोहली मत टिक कर देना। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केएल राहुल इज द स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन ऑफ आईपीएल 2019। नेक्स्ट है हमारे पास, जस्टिस मूर्ति रंजन गोगोई इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑर्डर। तो जस्टिस मूर्ति रंजन गोगोई है वो चीफ मिनिस्टर कौन से ऑर्डर के, कौन से क्रम के चीफ मिनिस्टर है? वो है 46th चीफ मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है हाई कोर्ट के एग्जाम में, अभी जो एग्जाम हुए थे ना हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के क्लैरिकल के एग्जाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ विस्तारा। विस्तारा की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो विस्तारा की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु सेट सेवंथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल लेग। इनमें से किसने सातवां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड करके? तो राइट आंसर है इसका DEPW। इसकी फुल फॉर्म मेरे को होमवर्क में बताना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द बेस्ट मोबाइल ऐप। उस मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो डेट वोन द गोल्ड मेडल इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में गोल्ड मेडल जीती है, तो वो है आपकी ई पाठशाला। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऐप विंस द नेशनल ई कॉमर्स अवार्ड 2019। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नेशनल ई कॉमर्स अवार्ड 2019 जीती है? तो वो है IRCTC। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंपनी वोन द CII एक्सिम बैंक बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। तो वो है आपकी BEL कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। BEL की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास है, हु टॉप द एशियन रिच लिस्ट 2019। किसने एशियन रिच लिस्ट 2019 को टॉप किया है विद ₹2.3 लाख करोड़? तो इसका राइट आंसर होएगा हिंदुजा फैमिली ने टॉप किया है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वोन द 2019 संतोष ट्रॉफी इन लुधियाना। लुधियाना में किसने 2019 की संतोष ट्रॉफी जीती है? ये है सर्विस टीम ने। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच हॉकी टीम वोन मलेशिया सीरीज। इनमें से कौन सी हॉकी टीम ने मलेशिया सीरीज जीती है? तो इंडिया ने मलेशिया सीरीज जीती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द कंट्री। उस कंट्री का नाम बताना है विच वोन द सुल्तान अजलन शाह कप 2019। कौन सी कंट्री ने सुल्तान अजलन शाह कप 2019 जीता है? तो वो जो कंट्री है वो है आपकी साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी वोन। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम एट 12th एशियन एयरगन चैंपियनशिप? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द यूरोपियन T20 लीग। यूरोपियन T20 लीग का ऑफिशियल नेम क्या है? तो वो है यूरो T20 स्लैम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 31 नंबर क्वेश्चन, विच टीम टॉप्स ICC T20I रैंकिंग विद 135 points? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक इज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। अशोक कौन से रिलीजन के फॉलोअर थे? तो जो अशोक थे वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मैंने ब्लैक ट्रिक के नाम से सेशन बनाया था जिसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी कि आपको कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉलोअर कैसे याद करना है। तो जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखा, वो जाके देख सकता है। मैं एक बार बता देता हूँ, BAPU बापू KH के नाम से मैंने ट्रिक बताई थी जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। बी से मैंने आपको बताया था बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन। के से मैंने आपको बताया था कनिष्ठ, और एच से बताया था हर्षवर्धन। तो ये ट्रिक बताई थी, और जैनिज्म की और ऐसी 3-4 वीडियोस ट्रिक की है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंट लोकसभा इज द, जो अभी की करंट लोकसभा है, प्रेजेंट लोकसभा है, वो कौन सी लोकसभा है? तो वो आपकी 16वें नंबर की लोकसभा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट, सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी का सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका जो सेंटर है वो आपका हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी में सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज़ द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वडोदरा में लोकेटेड है, ये रेलवे स्टाफ कॉलेज अभी बनाया गया है जो कि वडोदरा में बनाया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2018 में ये न्यूज़ आई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, फेमस दिलवारा टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो दिलवारा टेम्पल सबको पता है राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन इन्वॉल्व्स, द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन द यूनिट, न्यूक्लियर साइज की को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? वो होती है फर्मी, ऑप्शन नंबर ए। शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? तो वो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा RBI है, जिनको बैंकों का फादर भी कहा जाता है, उसके द्वारा सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, नहीं इसका आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, वो सेंट्रल बैंक गलत बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर टू इज योर राइट आंसर, RBI है, जो बैंकों का फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, उसके द्वारा सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन्वॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इन्वेंशन कॉज्ड मैनी डेथ व्हाइल टेस्टिंग, वह कौन सी इन्वेंशन थी जब उसको टेस्ट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई? तो उस इन्वेंशन का नाम है, वो है आपका पैराशूट, जब पैराशूट के इन्वेंशन को टेस्टिंग करने में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इन्वेंटेड गन पाउडर, गन पाउडर किसने इन्वेंट किया? तो गन पाउडर आपका रोजर बैकोन ने इन्वेंट किया, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा इलेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? सबको पता है 25 ईयर्स 25 साल, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, PA इज द यूनिट ऑफ पास्कल, किसकी यूनिट है? पास्कल आपको पता है दाब की यूनिट है, मतलब प्रेशर की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है क्योंकि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो मूव करते रहते हैं, इसलिए मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी, ये जो ऑप्शन दिए इनमें से स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, फोर्स प्रेशर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जो तो प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, प्रेशर की यूनिट मैंने आपको बता दी पास्कल PA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट, जो रेक्टिफायर होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? वो AC को DC में चेंज करते हैं रेक्टिफायर, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम करते हैं रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के कौन से पार्ट डेट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का वह कौन सा पार्ट है जो सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है? तो वो है आपका फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस से, जिन्होंने BTech कर रखी है या BCA या MCA कर रखी है, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, MOV.MOV एक्सटेंशन रेफर टू द यूजली टू वट काइंड ऑफ फाइल, .MOV जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सी फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो MOV जो है वो आपकी वीडियो फाइल का, मूवी फाइल का, या मैं बोलूँ एनिमेशन फाइल का, तो एनिमेशन और मूवी फाइल का एनिमेशन होता है .MOV, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये थे दोस्तों आज के GK के मॉक टेस्ट के 50 क्वेश्चन, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगली जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा लास्ट जो मॉक टेस्ट नंबर 4 था उसमें बच्चों के कितना स्कोर रहा था। अगली वीडियो मैं आज शाम तक या
आपका कल तक अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हाँ अगर PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।